हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे और अच्छे बने रहना। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं कोई प्रैक्टिस या ड्रिल्स नहीं करूँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को हेलमेट लेना कैसे है, क्योंकि क्रिकेट हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेकार हेलमेट क्वालिटी लेते हैं तो देखिए कितने प्लेयरों के सर पे लगते हैं, और सर पे लगना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताऊँगा एक अच्छा हेलमेट ज़्यादा प्राइस ना खर्च करते हुए अच्छे से कैसे आपको लेना है, और क्या आपको देखना चाहिए उस हेलमेट को लेते टाइम, ठीक है। क्योंकि हेलमेट सही में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हेलमेट बेकार होता है तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, विज़न ख़राब हो जाता है, क्योंकि कभी उसका प्लेयर आता है सामने तो कभी वो नीचे होता है, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको आज बताऊँगा कि आपको हेलमेट कैसे लेना है, कौन सी कंपनी का लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। वैसे कंपनी सारी अच्छी है, बट आपको चूज़ करना आना चाहिए हेलमेट, ठीक है। और क्या नई क्वालिटीज़ जो आज के हेलमेट में आ चुकी है वो आपको लेनी चाहिए, तो उस बारे में बात करेंगे। जो मैंने आप नया हेलमेट परचेज़ करा है उसका नाम है श्रे, ये देखिए, इस कंपनी का लिया हुआ है मैंने श्रे। तो इसके बारे में बताऊंगा कि कितने में मैंने परचेज करा है और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, आइए। तो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा वी रोल में कि हेलमेट कैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा लगा था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस है 1200 रुपये का, ठीक है। श्रे कंपनी का है, और इसमें एक्स्ट्रा जो क्वालिटीज़ क्या है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। देखो गाइस, पीछे क्या होता है कि कभी कभी हेलमेट ढीला पड़ जाता है लोगों के, तो वो टाइट कैसे करना है, टाइट के लिए दे रखा है इसमें, ये रहा, ये सिस्टम है इसमें, ये चीज़, इसका ये सिस्टम है, टाइट कर सकते हो आप इसमें। ये देखिए, ये चीज़, इसका रेड चेपिक सा बना हुआ है, इसको आप खींच के इसे टाइट कर सकते हैं, ताकि आपका ये हेड है ढीला पड़ता है भागते टाइम, तो बहुत इधर उधर दिक्कत आती है, स्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए आप इसमें ये भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा इसका ग्रिल, ये बहुत मजबूत है, और जब इस पर दे रखा है 3, बहुत हेलमेट में 2 होते हैं, ये 2 बॉक्सेस होते हैं बस कि आगे पीछे करने के, इसमें 3 है कि आप ज़्यादा अच्छे से सूटेबल कर सकते हो, तो ये भी इसमें बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की भी। साइड में प्रोटेक्शन अच्छा खासा दिया गया हुआ है, जो कि हर हेलमेट में होता है। इधर अब इसका नट लगाना तो भूलिएगा, वैसे नट लगा दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर का देख लीजिए, 2-3 जगह से ज़्यादा इसमें गार्ड लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकि जो फास्ट बॉलर है अगर वो सर पे मारते हैं हमारे तो लगे ना। तो देखो गाइस, बहुत लोग जब नया नया जाते हैं हेलमेट लेने, तो मुझे पता है कि एक्साइटमेंट में कुछ भी उठा लेते हैं, बट ध्यान रखना अगर हेलमेट बहुत बेकार ले लोगे तो नहीं खेल पाओगे, क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए आप लोगों को इसका विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो आप खेल नहीं पाओगे, कॉस्को से कब तक खेलोगे। तो इसलिए लेदर की बॉल से खेलने के लिए लेदर का जो ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसको पहन के खेलते रहोगे तो आदत बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दिखेगा ही नहीं आप लोगों को तो आपकी आदत कैसे बनेगी, क्योंकि बहुत बार ढील इतनी आगे होती है कि जब बॉल सामने आती है तो वो ढील दिखती है, बॉल बाद में दिखती है। तो इसलिए हेलमेट बहुत ध्यान से चूज़ करें, साफ इधर सपाट आगे की तरफ ज़्यादा ना हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए, और हाँ, जब आप हेलमेट पहनने जाते हो तो क्या करना आप लोगों को, हेलमेट पहनकर सामने से बॉल देखनी है बार बार, ठीक है। उससे आपको उसकी विजिबिलिटी पता चल जाएगी कि वो दिखती है आपको बॉल हेलमेट से कि नहीं। अगर ज़्यादा बेकार लग रहा है तो दूसरा हेलमेट देखिए, ज़रूरी नहीं है हेलमेट सेम रहे, ठीक है। हर किसी का बनावटी थोड़ा अलग होता है, और जो उसका स्पेस होता है वो भी अलग होता है, तो इसलिए ध्यान से चूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा खरीदे, 2500, 3000 इन सबका जरूरी नहीं है। 1200 रुपये में बहुत सही आ जाएगा। वैसे ज़रूरी नहीं कि 800 रुपये में, मेरा पहले वाला हेलमेट भी बहुत सही था बट वो ज़्यादा टिका नहीं, तो इसीलिए आप 1200 रुपये का लिया है, क्योंकि मैचेस आ रहे हैं, इसलिए इसको ज़रूरत है लेने की मेरे को। तो होप कि आप लोग भी अच्छा हेलमेट लें और ध्यान से खेलें। सो गाइस, देखिए हेलमेट जितना लाइट लेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा होगी। मैंने सेम में पहले बहुत जो हेलमेट यूज़ किया है वो बहुत भारी था, मतलब इसके मुताबिक तो भारी रहता, उससे मुझे लगता नहीं था, क्योंकि अब जब मैं ये यूज़ करने लगा हूँ और मेरा दूसरा वाले जो यूज़ करता हूँ उसके मुताबिक वो वाला ज़्यादा भारी था, तो बहुत दिक्कत भी होती है, सर पर प्रेशर बहुत बढ़ता है, क्योंकि गर्मी के टाइम जब आप भाग रहे होते हैं इधर उधर तो बहुत प्रेशर पड़ता है सर पर, और वजन पड़ता है तो और दिक्कत आती है। तो इससे जितना लाइट वेट हो उतना ले। और क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके अंदर जो ये सब होता है ना, ये सब, ये ऐसा ले कि ये खुल पाए, ठीक है। इसे क्यों, क्योंकि देखिए यार, आप लोग खेलते होंगे, पसीना बहुत आता है, ठीक है, पसीने से वहाँ पे सब बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, तो उसे धुल भी सकते हैं आप आराम से। तो इसलिए ये सब भी लो कि बाहर निकालो, आराम से धुलो, ताकि बैक्टीरिया आपको ना फैले, एलर्जी ना हो, क्योंकि क्या होता है एक दो दोस्त और होते हैं एकेडमी में जो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनका पसीना आपका पसीना एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मना नहीं करना चाहते आप लोग दोस्तों को, तो ये वाला हेलमेट ले लीजिए ताकि वो पहन भी ले, वो भी यूज़ कर ले, आप भी यूज़ कर लो और इसे धुल भी पाएँ। तो देखो गाइस, ये था मेरा नया हेलमेट जो कि बहुत सही है। मैंने इसे पहन के देख लिया, खेल के देख लिया, हर चीज़ से इसे आजमा लिया है, क्योंकि बहुत सही है। कोई भी खरीदना चाहता है तो परचेज़ कर सकता है श्रे कंपनी का ईजिली, तो जाके परचेज़ कर लीजिए अगर आपका मन करे तो। अभी मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक नया पैड खरीदा है, ठीक है। वो नए पैड्स खरीदे क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड है और महंगे थोड़े, बट बहुत सही है। क्योंकि क्या होता है, वो ना लंबे है ना छोटे, बहुत फिटिंग वाले पैड्स हैं। मज़ा आ गया उन्हें लेकर। अगर आप लोग बोलोगे तो उसकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार ये सब मैंने नया नया इसलिए खरीदा क्योंकि मैचेस वगैरह आ रखे हैं, तो वो सब खेलना है। तो पुराने वालों के साथ खेल के मेरे को थोड़ा दिक्कत होती, तो इसलिए सब कुछ नया है। अच्छा खासा ट्रायल होगा तो अच्छे खासे सब कुछ मैंने नया परचेज़ किया है। थोड़े महंगे हैं बट कोई बात नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो महंगी चीज़ अच्छी होती भी है, तो जो अफोर्ड कर सकता खरीद लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको दिखाऊंगा कि आपको पैड्स कैसे बाय करने हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत गलती करते हैं उसे बाय करते टाइम। तो उसमें आपको वो भी बताऊंगा, कितने में आपको परचेज़ करना है वो बताऊंगा, कौन सी कंपनी आपको लेना है वो भी बताऊंगा। अभी उसकी बात तो बाद में करेंगे, जो आने वाली वीडियो में। आप कमेंट करके बताना है कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं। बाकी इस वीडियो को आप एंड करते हैं ताकि अपना, और हाँ ध्यान भी रखना, गर्मी तो थोड़ी बहुत अब खत्म हो रही है बट बारिश हो रही है, तो वो खेलना दिक्कत हो रही है। आप कमेंट करना कि कौन कौन नहीं खेल पा रहा है बारिश की वजह से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ध्यान रखना, क्रिकेट ज़रूर खेलना और खेलते ही रहना क्रिकेट। बाय।